तो भाई आप लोगों का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ, फाइनली आज हम ट्रिक जो हैं वो लेकर आए हैं। पूरी 3 ट्रिक्स हैं, वो भी मल्टीप्लिकेशन की। तो चलिए पहली ट्रिक जो है वो हमारी क्या है। पहली ट्रिक जो है, जैसे कि हमारी कुछ संख्याएं जो हमारे 100 के आसपास होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने 92 गुणा में हमने ले लिया है 97 ले लिया है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि ये 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 8 कम है, और ये 100 से कितना कम है, ये है 100 से 3 कम, ठीक है। ये है 100 से 3 कम, ये है 100 से 8 कम। अब हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, हम या तो 92 से 3 को घटा दें या तो 97 से 8 को घटा दें। तो 92 से आप 3 घटाएंगे तो भी हमारा 89 आएगा, 97 से आप 8 घटाओगे तो भी हमारा 89 आएगा। तो कुछ भी आप घटा लो, चाहे इसमें से ये घटा लो, चाहे इसमें से ये घटा लो, ठीक है, हमारा 89 जो है वो आएगा ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 से 3 की गुणा कर देंगे, तो 8 यहाँ क्या होता है, 24 होता है। सिंपल से कुछ ही सेकेंड्स में हमारा ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो होकर आ गया है, ठीक है। आया समझ में आपको? तो भाई एक और क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का हो जाए, तो इस बार हम ले लेते हैं 96 और 98, ठीक है। तो भाई ये भी हमारे 100 के आसपास ही है। 96 हमारा 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि भाई मैम 4 कम है। मैं पूछूंगी कि 98 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि ये 2 कम है। अब 96 में से 2 घटाओगे तो भी हमारा 94 आएगा, चाहे 98 में से 4 घटाओगे तो ही हम तो भी हमारा 94 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 से 2 की गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 आया, पर यहाँ पे 2 की संख्या में लिखना होता है, पर 8 तो हमारी एक संख्या में है, तो हम एक अपनी मर्जी से 0 बढ़ा देते हैं। तो सिंपल से हमारी ये गुणा होकर आ गई। तो ये ट्रिक जो है आपको अच्छी लगी होगी, और प्रैक्टिस चाहिए आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है, और प्रैक्टिस जो है इसकी करा दी जाएगी। अब हमारी जो दूसरी ट्रिक है वो है, देखो ये है हमारा 102, और गुणा हमें करनी है 105 से। ये भी हमारी 100 से कुछ ऊपर की संख्याएं हैं, ठीक है, और थोड़ी ज़्यादा भी होंगी तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसको देख रहे हैं 100 से कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, सिंपल से हम या तो इसमें ये जोड़ दो या तो इसमें ये जोड़ दो। 102 में 5 जोड़ोगे तो भी 107 आएगा, 105 में 2 जोड़ोगे तो भी हमारा 107 ही आने वाला है। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे। सिंपल से यही हमारी क्या हो गई है, गुणा होकर आ गई है। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि हम कर लेते हैं 104 गुणा में 106 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। इसमें हम जोड़ देंगे, 104 में 6 जोड़ा तो 110 हुआ, चाहे तो इसमें जोड़ेंगे तो भी हमारा 110 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसकी हम गुणा कर देंगे, तो 24, तो 110 और 24 ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ, तो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। अब हम कर लेते हैं 102 गुणे 108, ठीक है। ये 100 से कितना ज़्यादा, 2, ये 100 से कितना ज़्यादा, 8। 108 में 2 जोड़ो तो भी 110 आएगा, 102 में 8 जोड़ो तो भी 110 आएगा। इसकी इसकी गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। तो इस तरीके से सिंपल से ये हमारी 3 अंकों की गुणा जो है वो आ गई है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलेंगे हम अपनी तीसरी ट्रिक पे। तो भाई हमारी जो तीसरी ट्रिक है वो भी बड़ी गजब होने वाली है। इस बार हम क्या ले लेंगे, कोई 3 अंकों की संख्या ले लेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे गुणा करने वाले हैं 2 अंकों की संख्या से, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 2 ज़्यादा है। ये 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 100 से 2 कम है। तो इस बार हम क्या करेंगे, या तो इसमें से ये घटा दो तो हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। इसमें ये प्लस है ना, तो इसमें ये चाहे ये 2 98 में जोड़ दो तो भी हमारा 100 ही आएगा। अब इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हमें अभी गुणा नहीं करनी है, हमें अपनी मर्जी से क्या करना होगा,
दो जीरो बढ़ाना होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दो जीरो अपनी मर्जी से बढ़ाया, अभी इसका गुणा जो है हमारा क्या चार है, अब चार इसमें से घटा दो, क्या करेंगे घटा देंगे, दस में से चार गया छः, यहाँ पे बचा नौ और यहाँ पे भी बचा नौ, यहाँ पे भी बचा नौ, तो इसकी गुणा जो आने वाली है वो आएगी 9996। तो जल्दी से देखिए, फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 105 गुणा 98, ठीक है ये ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे भाई, देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 5 ज़्यादा है, ये 100 से कितना कम है, कहोगे 2 कम है, क्या करेंगे 5 में 105 में 2 घटा दो, क्या आएगा 103 आएगा, चाहे 98 में 95 5, या हम 98 में 5 जोड़ दें तो भी हमारा 103 ही आएगा। अब क्या करेंगे, दो जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे, इसकी गुणा हमारी कितनी हुई 5 दूनी 10 हुई, और हम इसमें से 10 जो है वो घटा देंगे, यहाँ पे हमारा कितना है 10, जीरो में से जीरो गया जीरो, क्या हुआ 10, 10 में से एक गया, हमारा कितना बचा 9, यहाँ पे बचा 201, तो हमारा 10290 जो है वो हमारा गुणा मर आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे हम, ठीक है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 108 गुणा में 92, ठीक है इसकी मल्टीप्लाई जो है हम करेंगे, ये 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, 100 से कितना कम है, चाहे तो आप सोच रहे होगे सेम क्यों ले रहे हो, तो यहाँ पे हम 93 कर देते हैं, ठीक है तो -7 कम है। ठीक है, अब क्या करेंगे 93 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 101 खाएगा, चाहे इसमें से ये घटा देंगे 108 में से 7 घटा देंगे तो भी हमारा 101 ही आएगा। अब दो जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे, इनकी गुणा क्या आएगी 7 8 56, 56 जो है हम इसमें से घटा देंगे, 10 में से 6 गया हमारा कितना बचा 4, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे बचा 0 0 1, ठीक है 10044 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो तीन ट्रिक्स बताई हैं मल्टीप्लिकेशन की, अगर आपको वाकई में अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप में आपको ऐसे ही ट्रिक्स मिलती रहेंगी।